प्रेजेंटेड बाय चार भुजा लाइव कालियास। होरिवा को संग करे ना को जे शंकर को संग करे बको बालन बाको ये वाक्य उस समय का है जब माँ पार्वती 16 श्रृंगार कर महाराष्ट्र में जाने के लिए तैयार हुई। 16 श्रृंगार कर माँ पार्वती महाराष्ट्र में जाबा के लिए तैयार हुई तो शंकर भगवान पार्वती जी ने पूछ लियो कि कटे जा रहा पार्वती के भगवान महाराष्ट्र में जा रही हूँ शंकर भगवान क्यों मने लिया चाचा तो माँ पार्वती कहने लगे कि प्रभु महाराष्ट्र में केवल महिला जा सकती है पुरुष नहीं जा सकता वहां पर केवल महिला ही जाती है पुरुष नहीं जा सकते हैं। शंकर भगवान क्यों कहे मुई महिला बन जाऊं तो ख्यान रही थारा दो चोटिया गोद मेली मारा 20 गोद दे मोकली जटा थारा किने गागरा लुगड़ी मुई बेर ले मां पार्वती के भगवान मत करो माजना बगड़ जाए महाराष्ट्र में आप महिला बनना चालो। शंकर भगवान को पहले तू तो देख ले थारा आशा जाऊं तो लिया चल जा बाकी अपाटे ठीक। अब शंकर भगवान 16 श्रृंगार करियो कई बात बने देखो एक दीदार चूनर माथे पे डाल के बोला ना 16 श्रृंगार करियो एक दीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन आए रे भोली घूंघट निकाल के भोला बन रे बोली घूंघटनी आज के एक दीदार चुनर माथे पे डाल के एक दीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन आया भोला बन आए रे भोली घूंघटनी आज के पार्वती के सामने आए तो पार्वती जी के बोला कि भगवान आपने सब बड़ी कभी और कवि अरे तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला चंदा का उजियारा तुम जो चलोगे कहाँ रखोगे ये बिच्छू ये माला चंदा का पर तेरे डमरू सो ही गले में नाग काला भाई काला भाई काला। ए भगवान आप महाराष्ट्र में चल रहा सांप गोईरा बिच्छू माला और एक घूंघटा का बच बच में गोईरा मुंडो खाड़ में भी आपको कई केर शंकर भगवान को की चिंता मत कर इन सब को रख लूंगा मैं झोले में डाल के जोड़ा में डाल रहा मुंड बांध दिया बेटा बांधे न कर सकते इन सब को रख लूंगा मैं झोले में डाल के भोला बन आए रे भोली घूंघट निकाल के भोला बन आए रे भोली घूंघट निकाल के भगवान सांप गोईरा बिच्छू माला सबना आप झोला में डाल लिया लेकिन सब बड़ी कमी जो खड़ी खड़ी न हो सके केवल आगे
हरी सब तो छुपेगा पर नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। हरी सब तो छुपेगा पर नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। बोले ये प्रभु सब तो छुपेगा पर नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी। भगवान महाराष्ट्र में तो नाचना पड़े, आपका मस्तक पर गंगा जी है, जटे जटे नाच उठे आलो आलो करना को शांत नंगे पड़ जाए। और सब बड़ी कमी मर्दाना आवाज प्रभु जी कैसे करो जना। एक आदमी बोले एक और बोले जी मैं रात दिन को फर्क। देखो भगवान की देन है लुगाया के फोरी फोरी भोगला मेल मिली और मनगा का मोटा मोटा भोगला सेट कर दिया, यही नंगे पड़ जाओ। सब भगवान की देन। आप उठे चालो महाराज में भगवान कृष्ण रामा कृष्ण के रो नंगे पड़ जाए भाई, क्यों मैं तो रामा कृष्ण मतलब छेची उपरी पर मैं पार्वती के वाला की भगवान पकड़े जाओ ना कहीं मर्दानी चाल में। ए भगवान आप चालो जिमी नंगे पड़ जाए, आदमी औरत चाले जिमी भी राधन को चाल बाल। पकड़ी जाओ ना कहीं मर्दानी चाल में, भोला बन आए रे भोली घूंघट निकाल के। शंकर भगवान पूरी कर ली थी, गंगा जी ने उसे उतार दिया, सारो श्रृंगार कर और अंतर ध्यान और दो महाराष्ट्र में पहुंच गया। अब देखिएगा महाराष्ट्र का नजारा, भगवान कदम के पेड़ के नीचे मुरली बजा रहे हैं और ब्रह्मांड की सारी गोपियां नाच रही हैं। भगवान कृष्ण ने एक नजर पसारी सारी गोपियों को देखा। अब देखो कोई गोपी तो 5 फीट की, कोई 5.5 फीट की नजर आई, लेकिन 7.5 फीट को गोपो नजर आयो। शंकर भगवान नजर आया, भगवान कृष्ण देखो एक दूसरे की मन की बात जान लेते, भगवान तो अंतर्यामी है। पर भगवान कृष्ण ने सोचा अगर मैं शंकर भगवान ने जार बतलाऊ भगवान गागरा लुगड़ी यारा फिर मिले लाजा मर जा वाला। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ऐसी बजाए मुरली सुधी भूति भूले भोले नाथ रे भोले नाथ रे। भगवान कृष्ण ने ऐसी मधुर मुरली बजाई, ऐसी मधुर मुरली बजाई कि भोलेनाथ नाचना तो भूल गए और तांडव नृत्य चालू हो गया। शंकर भगवान नाचे बजे डबे को घाघरा लुगड़ी गाता पत्ते को चोटिया गाने खड़ी जा रही। भगवान नाचता तक डबिया को ने तो भगवान कृष्ण चाल आया और शंकर भगवान को हाथ पकड़ लिया और केवल आ गया। पाले पड़ी हो गोरी आज नंद लाल के, पाले पड़ी हो गोरी तू आज नंद लाल के। दो हाथ उधर ताली बजाता है, भोला बन आए रे भोली घूंघट निकाल के, भोला बन आए रे भोली घूंघट निकाल के। गोपेश्वर महादेव भगवान गोपी बनकर महाराज में गए तब से उनका नाम गोपेश्वर जी हो गया। बोले उमापति महादेव, बोले खेड़ा देवी मात की जय हो, धन्यवाद सब भक्त रे।